दोस्तों हम हैं मनाली में और हम देखने आए हैं बर्फ। मेरे साथ है अंकित और आज का जो गेटअप है हमारा ये कैप माछली पता नहीं माछली है या नहीं, बट ये जो यहाँ का गेटअप है अटायर है जो मैंने देखा लोगों को पहने हुए वो मैं वैसे पूरा कर लिया हूँ। नीचे मैंने डाल दिए बूट्स, अंकित भी रेडी हो चुका है, अब निकलते हैं। यस अंकित भी आ गया। यस तो अंकित ने थोड़ा लॉन्ग कोट है, थोड़ा स्टाइलिश मेरा, मैं थोड़ा यहाँ के हिसाब से हूँ। तो फ्रिज के अलावा आज पहली बार हम देखने जा रहे हैं बर्फ। सूट निकला है और हम लेके आए थे स्विफ्ट रेंट करके। थे हिडिमार देवी पैलेस में और ये हमारी कार है, अभी हम निकलेंगे यहाँ से। तो कोशिश करना कि अगर बर्फ में जा रहे हो तो पेट्रोल इंजन लेके आओ वरना शायद स्टार्ट ना हो। तो अभी हमारे होटल से अटल टनल की जो दूरी है वो है 24 किलोमीटर के आसपास और हम थोड़ा जल्दी निकलने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं तो हम जल्दी निकल लिए ताकि हमें ट्रैफिक ना मिले। बहुत सुना था रील्स वगैरह में देखा कि बहुत ट्रैफिक है, तो जल्दी निकलने की वजह से तो हमें रास्ते में कहीं भी कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन जो व्यू है बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं हमें। आप देख सकते हो कितना सुनहरा, मतलब जो सनराइज़ है ना वो टॉप पे पड़ रही है तो उससे बर्फ़ चमक रही है एकदम। भाई आईफोन ने यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया अपने कला का। तो हम अटल टनल देखते देखते पहुँच जाते हैं। सनलाइट ऊपर टॉप पड़ने लगती है, इधर भी, और ये है अटल टनल। नज़दीक दिखाते हैं। तो एक घंटे लग गए हमें यहाँ तक पहुँचने में और व्यू बहुत ही शानदार है और भीड़ जैसा कि हमने सुन रखा था उतना तो नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ खड़ी हैं तो इतना तो चलेगा। और ये है सामने का गेट, टनल थोड़ा और आगे से स्टार्ट है तो निकलते हैं। यही है व्यू, आगे थोड़ा बर्फ़, वहाँ जहाँ तक रीच हो बर्फ़ की वहाँ तक कोशिश करते हैं कि पहुँचे। आगे उस पार क्या मिलने वाला है हमें भी नहीं पता, हम सब फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। तो आगे शिशु है और रोहतांग निकलता है उधर के लिए, इससे पहले भीड़ हो निकलते हैं। अंदर आ गया और 7 से 8 किलोमीटर के है ये टनल पूरा और अंदर से आप देख सकते हो ज़्यादा ही नीट एंड क्लीन है। एक्सीडेंट भी यहाँ बहुत मैंने हम लोगों ने आज देखे रील्स में। और स्पीड लिमिट इसकी कितनी है अंकित? अभी तो 60 है। 60 है और जितना हमने सोचा था भीड़ होगी इतनी तो भीड़ थी नहीं अटल टनल के बाहर, बट आगे चल के अभी पता नहीं। और सुबह सुबह जल्दी आने का फ़ायदा तो हुआ है, क्यों अंकित? बहुत ज़्यादा, कोई भीड़ ही नहीं है, पार्किंग की दिक्कत नहीं होगी, अभी लेक में डायरेक्ट जाएंगे शिशु लेक। हाँ तो कहीं भी हमें रुकने नहीं पड़ा, जो रील्स में दिख रहे इतने सारे वो ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखा।
भाई बर्फ ये भाई बर्फ देख ली अटल टनल क्रॉस करते ही। तो भाई बहुत ज़्यादा ठंड है और बर्फ़ तो है ही साथ ही साथ, और ये जो बर्फ़ है वो फिसल भी रही है भाई, और ये बहुत पुरानी बर्फ़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जमा हुआ है, लोग गंदगी भी कर रहे हैं, और इधर देखो आप नज़ारे। तो चलते हैं आगे क्योंकि मज़े आगे ही आएंगे। ये तो पुरानी बर्फ़ है, इसको हाथ में भी नहीं ले सकते, जमी हुई है। तो आगे चलते हैं और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। भागो तो अभी हम लोग काफ़ी सारा फोटो वीडियो मैं और अंकित निकाला, आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और चलते चलते रोड किनारे ऐसे ही एक लोकेशन दिख गई थी हमें, तो हमने यहाँ पे बैठ के वीडियो और फोटोज़ बहुत सारी बनाई। रुक के एक घंटा हो गए, इस टाइम हम हैं लाहौल में और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो है -9 डिग्री, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी हाथ ग्लव से बाहर रखा हूँ तो पूरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं, और जो यहाँ सफ़ेद चादर बिछी है ना, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, सुबह के 8-9 बज चुके हैं, और थोड़ा कहीं चाय देखते हैं और मैगी या ब्रेकफास्ट करते हैं। ओह गाड़ी के अंदर काफ़ी गर्म है भाई, पहाड़ों में मैगी तो बनती है यार। मैगी जो गरम गरम मिल जाए, चाय मिल जाए, मैगी मिल जाए, पराठे मिल जाए, मजा आ जाए बस। हाँ वैली खत्म हो गई भैंस की। चलो यार जा भाई जा, ड्राइव का ना एक्सपीरियंस भी बहुत अलग है यार, मतलब सामने से ज्यादा इधर नजारे का देखने का मन कर रहा है। मेरा भी कर रहा है, मैं सबको संभाल के ले आया। अभी 9:30 हो रहे हैं, चलते हैं और लेक भी चलते हैं, फ्रोजन पूरी लेक है। शिशु लेक, शिशु लेक, शिशु 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 लेक, शिशु शिशु ना, हां शिशु लेक, और मजा आएगा। मैगी और चाय। तो मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क कर दी थी और यहाँ पे भी हमने नाश्ता किया और एक कपड़े सूख रहे हैं,
रात में छोड़ दिया तो जम ही जाएंगे। बाकी यहाँ पे स्टेप फॉर्मिंग भी होती है, और अभी वहाँ पे देखो आप, जूम करता हूँ, वहाँ पे लेक है, ये फ्रोजन लेक है, पूरी लेक जम गई है नीचे। चलते हैं अभी वहीं पे, और वहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, पार्किंग भी है, बाकी एक्टिविटी सारी वहीं होती है। वहाँ पे दिख रहे होंगे लोग चलते फिरते, तो जिप लाइन भी है और स्की वगैरह भी हो रहे हैं, तो सारी एक्टिविटी वहीं, हम थोड़ा आगे की तरफ गए थे। चलते हैं वहीं पे। बगल से बैठ जाऊं, तो पहुंच गए, ग्लव्स ले लेता हूं और ट्राइपॉड भी, इसको बंद कर देते हैं। सामने आप देख सकते हो व्यू पूरा, और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो भीड़ तो है, जहाँ हम थे वहाँ नहीं थी। एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ आपको, लग रहा होगा कीचड़ है ना, गीला है, ये देखो जमा हुआ पानी है, जमा हुआ है, सब कुछ ये जमा हुआ है, ये देख। सब जमा हुआ है सब। तो अभी देखते हैं लेक, यहाँ पे एक लेक है, सिसु लेक बोलते हैं उसको शायद, और वो जम चुकी है पूरी तरह की से, और देखते हैं कितना जमा हुआ है। यहाँ पे जिप लाइन्स वगैरह हो रही हैं, पार्किंग फ्री है शायद, अभी तक कोई पैसे नहीं लिए गए, जहाँ मन करे वहाँ खड़ी कर दो गाड़ी, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने पे इसको भी सिस्टमेटिक किया जा सकता है। ट्रम्पलिन वगैरह बच्चे खेल रहे हैं, जिप लाइन्स हैं, 500 रुपये में जिप लाइन्स है, आप इधर से उधर जा सकते हो, फिर उधर से इधर आ सकते हो, बीच में रिवर है, रिवर दिखा देता हूँ, सब जमा हुआ है नीचे, तो ये रिवर बह रही है, उतनी डीप नहीं है, लेकिन लोग नीचे भी हैं, हम भी जाएंगे नीचे अभी, और वो जिप लाइन से लोग जा रहे हैं, देख सकते हो। तो अभी चलते हैं लेक की तरफ, उधर कहीं लेक है, जमा हुआ है, ये सब बर्फ़ जमी हुई है। तो ऐसे जैकेट और बूट सब चाहिए होते हैं, कि ना हम उतना स्नो एक्टिविटी कर नहीं रहे, तो चलेगा। और हम आगे गए थे तो हमें थोड़ा फ्रेश स्नो मिल गई थी, बट यहाँ पे तो बहुत गंदी है, और पीछे मेरे पहाड़ है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है। लेक उधर है, ओहो चल रहा है भाई, यहाँ चलता हूँ, गिर जाऊंगा फिसल के। तो मेरे जस्ट सामने लेक है, ये लेक है, पूरी जम चुकी है, ये पानी है, अंदर जाना फाइन है। एक नंबर की बर्फ है भाई, पूरी की पूरी लेक जम चुकी है, बट यहाँ उतर नहीं सकते, मेरा उतरने का बहुत मन हो रहा है, 5,000 का जुर्माना है, और होना भी चाहिए, नहीं तो लोग यहीं खेल रहे होते हैं। और ये क्या है, मोटी ज़्यादा लेयर नहीं है, अगर इस पर चलोगे तो कहीं कहीं ये पानी है नीचे, तो ढस सकते हो, तो इनका जुर्माना बनाना भी सही है। बाकी कचरा मत फैलाओ, बहुत कचरा है यहाँ, पता नहीं कैसे बैल बुद्धि लोग हैं।
और बस ये यहाँ पे लेक ही है, उधर चलते हैं जिप लाइन की तरफ। तो चलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से। हाँ, सन बहुत ज़्यादा हार्ड है तो टैनिंग हो सकती है, तो भाई साहब टैन से बचने के लिए सनस्क्रीन वगैरह ले आना। वैसा लग रहा है साइबेरिया वगैरह में। तो यहाँ पे हो रही है जिप लाइन, तो देखते हैं किसमें कम भीड़ है करके एक्सपीरियंस लेते हैं। हम निकलते हैं, तो अपना नंबर भी आ गया है, टॉप पे आ गए हम। साथ में भेजूंगा आपको, तो आप साथ में हो ना? हाँ, एक को इस तरफ भेजूंगा, ठीक है भैया। वायर को टच नहीं करना भैया, बस इसको होल्ड करना है। सीधा जाओ, पूरा पूरा वेट बेल्ट के ऊपर दो, लेग स्ट्रेट हवा में पूरा। हाँ, मुझे तुरंत वापस भी जाना है, वापस भी मिले भाई, मज़ा आ गया, वन टाइम एक्सपीरियंस, बट मज़ा आया। अपना फ़ोन भी आप कंट्रोल करना, फ़ोन गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे को तुरंत जाना भी है, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से जाने वाला जिप भी है। तो बहुत चिकना है, संभाल के जाना पड़ेगा, गिर भी सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है इधर भी, यहाँ पे भी चारों साइड बर्फ ही बर्फ है। थोड़ा ऊपर चलता हूँ, तो अनाउंसमेंट हो गई है ब्रेक पे रहने की। एक मिनट भैया, कैमरा सेट कर लो। हाँ चल चल चल, बता दो
उसका ब्रेक बहुत डेंजर है। फ्री एक्टिविटी कंप्लीट, फुल पैसा वसूल 500 रुपये। अगर ट्राई करने का मौका मिले खासतौर पे यहाँ बर्फ़ में तो ज़रूर करना। बाकी निकलते हैं यहाँ से। तो इधर ही कहीं कार पार्क की थी, आगे है शायद, मिल नहीं रही अंकित। तो जिप लाइन तो हो गई, सब बोल रहे पैराग्लाइडिंग भी करना चाहिए। पैराग्लाइडिंग थोड़ा हाइट का इशू है, मेरे को झूले से डर लग जाता है, जॉइंट व्हील से, तो इसका तो कुछ आइडिया नहीं। देखते बजट में हुआ तो कर लेंगे, वरना तो मैं नहीं करने वाला भी। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्टिविटी है नहीं। तो कार मिल गई है भाई, और कपड़े खोले जा रहे हैं, इतने लेयर कपड़े पहना था, इतने लेयर हो गए थे भाई, गर्मी में डूब गया मैं। मुझे भी गर्मी लग रही है, तो मैं भी जैकेट हटा दूंगा। कैसे रहा जिप लाइन? जिप लाइन एक नंबर था भाई, मज़ा आ गया, पैसा वसूल। भाई धूप बहुत तेज है और यहाँ पे सनस्क्रीन लेके आना, नहीं तो जल जाओगे एक तरफ। और ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, बस आधे टाइम में अगर सुबह आओगे तो आप 12 बजे तक फ्री हो जाओगे आराम से। और कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ी महंगी हैं। अभी चलते हैं कुल्लू की तरफ, प्लान अभी कुल्लू की तरफ जाने का है, कुल्लू मनाली, और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का सीन है, देखते हैं अगर सबका मूड ठीक रहा तो पैराग्लाइडिंग भी करेंगे। पहुंच चुके हैं भाई, इससे आगे चलेंगे बाइक से, क्या अंकित? इससे आगे चलेंगे बाइक से तब ज़्यादा मजा आएगा। थोड़ा सा आए गए थे, रिग्रेट होने लगा था अच्छे लोकेशन देख के कि बाइक नहीं लाए। हाँ पानी है, अभी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, ब्लैक आइस बन जाएगी भाई। अब हो गई है भीड़, सामने दिखा, कुछ ज़्यादा ही भीड़ से बचने के लिए जल्दी आ गए। अच्छा हुआ हम सुबह आ गए थे भाई, बहुत ज़्यादा जाने के लिए तो कोई जाम ही नहीं है, आने के लिए बस। अभी बस को निकाल दिया भाई, सब खड़े हैं, एक पगला गए आगे गए नहीं। हम चला रहे हैं अटल टनल में गाड़ी, तो होटल पहुंच चुके हैं अभी, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी, और यहीं पास में पैराग्लाइडिंग होता है, तो देखते हैं आज नहीं तो फिर कल निकलते वक्त करेंगे। और कल हम निकलेंगे यहाँ से, तो अभी तो बस नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, भूख लगी है, और रेस्ट करेंगे सुबह के 4 बजे के।